नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है ये गांधी जी के कंटिन्यूएशन में हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं। जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो गांधी एरा के ऊपर थी और वो फोकस कर रही थी कि गांधी जी का एक्टिविज्म साउथ अफ्रीका में 1893 से 1914 में कैसा रहा। दोस्तों अब हम जो इस लेक्चर में बात करेंगे वो बात करेंगे कि गांधी जी का जो अर्ली एक्टिविज्म था वो 1915 में आने के बाद इंडिया में कैसा रहा और उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए यूपीएससी के क्वेश्चंस को जो है ना हमें अलग अलग तरीके से प्रेडिक्ट करना है। यूपीएससी के क्वेश्चंस को, उसके क्वेश्चन पूछने की पैटर्न को, उसकी एनालिटिक्स को हमें समझना पड़ेगा। यहां पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि गांधी जी के अराइवल के बाद जितनी सारी उनकी अर्ली एक्टिविज्म थी जो कि मोस्ट ऑफ देम वर सक्सेसफुल, इसका इंपैक्ट एंटायर फ्रीडम मूवमेंट में कैसा रहा, इंपैक्ट ऑन फ्रीडम मूवमेंट ये कैसा रहा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो जवाब देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सी ऐसी अर्ली एक्टिविज्म थी गांधी जी के समय पे जो कि काफी सक्सेसफुल रही। सबसे पहले बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की। चंपारण एक छोटा सा गांव है बिहार में जहां पे इंडिगो की खेती होती थी, करवाई जाती थी रादर। और हम जब भी चंपारण मूवमेंट को पढ़ेंगे तो चंपारण मूवमेंट में पहली चीज इंडिगो की खेती जबरन करवाई जाती थी। ठीक है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट में इंडिगो मतलब नील की खेती, क्योंकि ये जो डाई था, ये जो कलर था, ये उस समय यूरोप में बहुत बिकता था। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए यूरोपियन जो हैं ट्रेडर्स वो जबरन भारत के कृषकों से 3/20 यानी कि 3 कठिया सिस्टम भी बोलते थे इसको, 3 कठिया सिस्टम भी बोलते थे, ये जबरदस्ती करवाया जाता था। अब ये करवाने की वजह से नुकसान अलग अलग तरीके के हो रहे थे। सबसे पहला नुकसान ये हो रहा था कि नील की खेती करने के बाद वो जमीन की जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर नुकसान पहुंचता है और वो काफी दिनों तक रहता है, तो वो एक नेगेटिव चीज थी विथ रिस्पेक्ट टू द फर्टिलिटी ऑफ दैट लैंड। दूसरी बात थी दोस्तों कि जितना प्रॉफिट वो लोग कमा रहे थे ये नील की खेती करा के उसको बेचने के बाद, उसका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रहा था। और इन तमाम चीजों में जो सबसे खराब चीज हुई वो ये थी कि जर्मनी में उन दिनों ये डाई का जो सिस्टम है, किस तरीके से कलर की उत्पादन की जाती है, ये वो लोग सीख गए थे। फलस्वरूप नील की जो डिमांड थी वो यूरोप में वो कम हो गई। तो अब अंग्रेज जो हैं, जो यूरोपियंस नील की खेती करवा रहे थे जबरन, उनको तो उनकी तो काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट रही होंगी, तो वो अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए, उन्हें पता है कि ये बिकेगा नहीं, लेकिन बावजूद उसके अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हैवी टैक्सेशन करने लगे। तो इन सब वजह से लेकर के, इन सब वजह को मिला दें अगर, तो किसान जो थे उन्होंने टैक्सेशन देने से मना कर दिया और इसी को लेकर पूरा समस्या शुरू होती है। अल्टीमेटली इस पूरे घटनाक्रम में गांधी जी का क्या रोल रहा, गांधी जी वहां पे आने के बाद इस सिचुएशन को जब से उन्होंने हैंडल करना शुरू किया, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी सर्वे करी और सर्वे करने के बाद देखा कि ये जो सिस्टम बन रहा है ये गलत हो रहा है। और अल्टीमेटली उन्हें पहली बार जीत मिली और उनके सामने यूरोपियंस जो है वो झुक गए। सिमिलर हरकत जो है वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में भी हुई। यहां पे भी अहमदाबाद के जो मिल ओनर्स हैं उन्होंने मांग करी कि उन्हें बोनस चाहिए था, प्लेग बहुत भयंकर रूप से फैल रहा था तो प्लेग की वजह से उन्हें बोनस एक्स्ट्रा चाहिए था, एक परसेंटेज तय किया गया और उस परसेंटेज में बोनस देना मिल ओनर ने मना कर दिया। फलस्वरूप स्ट्राइक, और स्ट्राइक को तोड़ने के लिए भरपूर कोशिश। और फिर 1918 में जब गांधी जी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के इशू को लिए अपने हाथों में, वहां पे भी सेम चीजें हुई। गांधी जी पूरी तरीके से वहां प्रेजेंट हुए, पूरी तरीके से अपना को इन्वॉल्व किया, उनके जैसा बनकर उनके हक के लिए स्ट्राइक की, यहां तक कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी करी फास्ट अनटू डेथ ताकि और ज्यादा बूस्ट मिले और फाइनली मिल ओनर्स राजी हो जाते हैं बोनस देने के लिए। सिमिलर चीजें, एक और मूवमेंट हुई खेड़ा सत्याग्रह। यहां पे भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जरिए गांधी जी को यूरोपियंस को झुकाने में समय नहीं लगा। इन तीनों मूवमेंट के बाद रावलट एक्ट जैसा ब्लैक लॉ को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फलस्वरूप पूरे भारत में एक मास स्ट्राइक होता है। दिस इज नोन एज द फर्स्ट मास स्ट्राइक। अब इसमें से मास शब्द को अगर हम ले लें तो ये कब से जुड़ने लगी भारत के पॉलिटिक्स में, ना जब से गांधी जी का इमर्जेंस हुआ तब से। तो ये कहा जा सकता है कि अगर सवाल पूछा है कि व्हाट इज द इंपैक्ट और व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ गांधी जी अर्ली एक्टिविज्म इन इंडिया, तो सबसे पहला चीज ये कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस, क्योंकि चंपारण अहमदाबाद खेड़ा के बाद मास उनसे जुड़ने लगे और तभी रॉलट एक्ट के अगेंस्ट में इतना बड़ा मास स्ट्राइक जो है वो संभव हो पाया। जलियांवाला बाग की घटना के दुर्भाग्यवश बहुत खतरनाक एक हिंसात्मक घटना घटी, उसके बाद भी जो मास स्ट्राइक करी गई वो भी पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि पब्लिक गांधी जी के साथ थी। दीज वर द इंपैक्ट्स। फलस्वरूप एक इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई जिसका नाम था हंटर कमेटी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हंटर कमेटी ने
सजा देना तो छोड़, उनको प्रेज किया गया था, उस ऑफिसर को जनरल डॉयर को प्रेज किया गया था कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। तो ये तो खैर एक अमानवीय एक घटना का एक ऐसा ही जजमेंट आना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंग्रेजों से उस समय। लेकिन इस छोटे से वीडियो में मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये समझ आए कि अर्ली कैंपेन्स या अर्ली एक्टिविज्म जो बापू के थे उनका इम्पैक्ट फ्रीडम मूवमेंट पे कैसे पड़ा। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के अराइवल से लेकर के 1919 के जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में पढ़ा था हमने। ये भी पढ़ा था कि इससे रिलेटेड एक हंटर कमीशन बैठाई गई थी जो कि जिसकी फाइंडिंग्स को लेकर के हम सारे भारतीयों को बहुत ज़्यादा खेद था। अब हम बात करते हैं कि 1919 के बाद से भारत में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई जिस पर ऊपर प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। अभी खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि खिलाफत मूवमेंट में द वर्ल्ड वॉर वन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर वर्ल्ड वॉर वन में टर्की जो है ये वेस्टर्न कंट्री से हार गया था, और फलस्वरूप टर्की में जो खलीफा हुआ करते थे, खलीफा जो थे, कैलिफ या खलीफा, ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है मुस्लिम्स के लिए। दुनिया भर के मुस्लिम्स जो हैं ये इनको अपना रिलीजियस गुरु मानते हैं। अब क्योंकि टर्की में खलीफा का रोल था और खलीफा जो है इनको हटा दिया था अपनी गद्दी से यूरोपियन कंट्रीज ने जब टर्की वर्ल्ड वॉर वन में हार गया, तो पूरे विश्व के जितने सारे मुस्लिम थे सब के सब यूरोप से नाराज थे, यूरोपियन पावर्स से नाराज थे, उन शक्तियों से नाराज थे जिन लोगों ने खलीफा को या कैलिफ को टर्की से हटा दिया या उस मुस्लिम पोस्ट से जिस पोस्ट में वो थे खलीफा को हटा दिया। ये पूरा मामला, ये पूरा कांड जो भी आप कह लीजिए, ये हो रहा था भारत से कोसों दूर टर्की में, और दूसरी तरफ भारत था, भारत भी उन्हीं यूरोपियन से लड़ रहा था जिन यूरोपियन से पूरे विश्व के मुस्लिम चिड़े हुए थे। तो गांधी जी ने क्या सोचा कि हम इस खिलाफत या खलीफा जैसे इशू को भारत में खींच लाते हैं और भारत के एक इशू से इसको एमलगमेट कर देते हैं और लोगों के सामने, मास के सामने ऐसे पड़ोसेंगे जिससे ये दोनों इशू को एक साथ बल मिले, दोनों एक साथ अंग्रेजों से और अदर यूरोपियन कॉलोनियल पावर से लड़ सकें और साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम यूनिटी में भी एक बहुत मजबूत पकड़ बने। इसीलिए गांधी जी ने इस इशू को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में और इसके साथ नॉन कोऑपरेशन को ऐड किया, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ डिमांड्स थी। सबसे पहले डिमांड ये थी, फेवरेबल ट्रीटी का डिमांड कर रहे थे टर्की के लिए। तो इस मूवमेंट में टर्की को लेकर भी बातचीत हो रही थी। उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरी चीज, जो भी पंजाब में गलतियां हुई हैं, जो गुनाह हुआ है इन द फॉर्म ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, इसको रिड्रेस करिए। और तीसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्वराज, सेल्फ रूल जिसको कहते हैं, इसका एस्टैब्लिशमेंट करिए। ये तीन डिमांड रखी गई खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अंग्रेजों के सामने। कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया इस मूवमेंट में? बॉयकॉट। और बॉयकॉट करने का मतलब यह कि तमाम चीजों से बॉयकॉट, गवर्नमेंट स्कूल से बॉयकॉट, कॉलेजेस से बॉयकॉट, लॉ कोर्ट से, म्युनिसिपैलिटी से, गवर्नमेंट सर्विसेज से, सब जगह से। और उसी के साथ साथ सेटिंग अप ऑफ नेशनल स्कूल कॉलेजेस एंड पंचायत्स यूजिंग खादी द सेकंड स्टेज टू इंक्लूड सिविल डिसोबीडियंस बाय नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है। और उसी साल 1920 के आसपास नागपुर में जो कांग्रेस की सेशन हुई दिसंबर में, यह बहुत तात्पर्यपूर्ण है। इसमें सबसे पहली बार स्वराज को, अटेनमेंट ऑफ स्वराज को एक गोल माना गया, और ये तभी किया जाएगा थ्रू पीसफुल एंड लेजिटिमेट मींस। सब कुछ सही चल रहा था, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जिस लेवल में ब्रॉड बेस इसका था, जिस लेवल का ये ब्रॉड बेस्ड था, पूरा भारत इसके साथ जूझ रहा था, पूरा भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था रादर। और गांधी जी को इसकी सक्सेस देखकर लगा कि अगर हमने ये प्रेशर अंग्रेजों पे एक साल तक कंटिन्यूअसली रख सकें तो आजादी मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सो वी वेयर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंस विद इन वन ईयर। This was the aspiration, this was the assumption. लेकिन शायद किस्मत को, इतिहास को कुछ और ही इच्छा थी कि 1922 में 5 फरवरी में चौरी चौरा एक इंसिडेंट होता है जहां पे जो क्रांतिकारी थे, जो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे, इस खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो लोग एक प्रदर्शन कर रहे थे और एक पुलिस चौकी में उनके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी हुई और उसने एजिटेट किया, उसने उकसाया उन लोगों को, और फलस्वरूप एक वायलेंट इंसिडेंट हो जाता है। मॉब जो है वो गुस्से में निकल पड़ती है और वहां पर एक हत्याकांड हो जाता है, पुलिस चौकी को जला दिया जाता है। अब जब यह कांड होता है तो गांधी जी को लगता है कि भारत या भारत के लोग अभी भी रेडी नहीं हैं, भारत के लोग अभी भी नॉन वायलेंस पे यकीन नहीं कर रहे हैं,
और उसे उन्होंने एकाएक इस पर्टिकुलर एक इंसिडेंट के बेसिस पे उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को जो है विड्रॉ कर दिया। जितने सारे लोगों ने बॉयकॉट किया था वो सब सड़क पे आ गए और ये मूवमेंट जो है वो पूरी तरह से बिखर गया। ये एक साल का जो सपना पूरे देश को दिखाया था ये टूट गया इस एक इंसिडेंट की वजह से। अब इतिहास में पूछा जा सकता है कि क्या एक ये इंसिडेंट सफिशियंट था इस पूरे मूवमेंट को वापस ले लेने में? क्या गांधी जी ने ये जो विड्रॉ किया था क्या ये सबसे परामर्श करके सबसे पूछताछ करके किया था? पूरे कांग्रेस में कोई ऐसे कंसेंसस में डिसीजन लिया गया था या उन्होंने एक तरफा लिया था? इन सब चीजों पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि विड्रॉवल ऑफ द मूवमेंट अभी तक यूपीएससी ने यही पूछा है कि खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इंपैक्ट्स क्या रहे। अब यूपीएससी पूछ सकता है कि विड्रॉवल का जो डिसीजन लिया गांधी जी ने इसका इंपैक्ट बताइए। क्या गांधी जी तो डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, तो यदि गांधी जी डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे तो यह विड्रॉवल का डिसीजन यूनिलैटरली कैसे लिया, कैसे लिया? इन सब फंडामेंटल मुद्दों पे बात या सवाल यूपीएससी पूछ सकता है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने यह देखा है कि 1919 के बाद 1920 में हम लोगों की नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होती है जिसमें हम लोग खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन को साथ मिलाकर करते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये मूवमेंट अच्छा खासा चल रहा था अंटिल 1922 जब चौरी चौड़ा जैसे इंसिडेंट की वजह से इस मूवमेंट को रद्द कर दिया गया था। आई होप अभी तक ये तीन लाइंस में आपकी पिक्चर एकदम मजबूत है। 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर ये बहुत रेलेवेंट है, तो ये तीन चीजें। और 1920 के साथ अगर आप टैली कराना चाहें तो आप यहां पर याद करने के लिख सकते हैं खिलाफत, ठीक है, ये टर्की में हो रहा है और इसका रिलेशन वर्ल्ड वॉर वन से है। तो आई होप ये रिलेशन आपको अभी तक क्लियर है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया यूनिलैटरली, तब कांग्रेस के अंदर काफी लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से खुश नहीं थे और काफी लोग ऐसे थे जो कांग्रेस के साथ इस डिसीजन में अपना समर्थ दे रहे थे, अपना एक्सेप्टेंस दे रहे थे। तो जो लोग खुश नहीं थे उन्होंने सोचा कि अब एक और तरीका अपनाते हैं, क्योंकि हम अब चुप तो बैठ नहीं सकते, हमें अपनी लड़ाई, अपनी जो स्ट्रगल है उसको तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ब्रिटिश की जो लॉ बनती है, जहां पे पार्लियामेंट है, या आप कह सकते हैं कि जो काउंसिल, उस समय काउंसिल कहते थे, जो इंडिया में काउंसिल में लॉ बनते थे, क्यों ना काउंसिल में पार्टिसिपेट करें ताकि हम किसी भी ऐसे घटिया लॉ को बनने से पहले ही काउंसिल में ही रोक सकें। और काउंसिल में एडमिशन के लिए या काउंसिल में अपने आप को दाखिला देने के लिए आपको चाहिए इलेक्शन में आप लड़ें और वोट से जीतें और फिर काउंसिल के मेंबर बने। तो कुछ कांग्रेसी लोगों ने यह पंथ अपनाया। जिन लोगों ने यह पंथ अपनाया उनको कहा गया स्वराजिस्ट। क्या कहा गया? स्वराजिस्ट। इनको प्रो चेंजर्स भी बोला गया। जो लोग चेंज हुए थोड़ा सा उनको प्रो चेंजर्स बोला गया। और जो कांग्रेसी लोग जो कहते थे कि नहीं हमें यह पॉलिसी अपनानी नहीं है, हम गांधी जी के साथ कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे, हम लोगों को अभी भी सिखाएंगे कि नॉन वायलेंट क्या होती है, किस तरह से पीसफुली सत्याग्रह किया जाता है, हम अगर अभी तक खादी से रिलेटेड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कंस्ट्रक्टिव समाज को निर्माण बनने करने की जो प्रक्रिया है हम उसमें भागीदारी करेंगे, उनको कहा गया नो चेंजर्स। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि जब ऐसी ही एक मत विरोध 1907 में हुई थी तब कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो गया था। कांग्रेस स्प्लिट हो गया था, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हो गए थे। लेकिन इस स्प्लिट के वजह से सबसे ज्यादा नुकसान ना कांग्रेस के मॉडरेट को हुआ ना एक्सट्रीमिस्ट को हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? हमारे एंटायर नेशनलिस्ट मूवमेंट को हुआ। और ये बहुत बड़ा लॉस था भारतीयों के लिए। हम ये दोबारा 1922 में नहीं देखना चाहते थे। फलस्वरूप कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि ठीक है आप कांग्रेस को तोड़िए मत, दोबारा से स्वराजिस्ट मत बनाइए, बल्कि स्वराजिस्ट को कांग्रेस की ही पार्ट मानकर हम चलेंगे ताकि कांग्रेस को फिर से तोड़ना ना पड़े। हालांकि बापू स्वराजिस्ट इस प्रपोजल के विरुद्ध में थे इनिशियली, लेकिन बाद में उनको मना लिया गया था। आप सवाल ये जरूर पूछ सकते हैं कि बाद पे उनसे उनका ही फाइनल डिसीजन, उनकी अल्टीमेट डिसीजन, इस तरीके की डोमिनेंस कांग्रेस के अंदर कैसे रही, या ये कह सकते हैं कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी ऐसी क्यों थी कि गांधी जी के विरुद्ध में कोई बात कही नहीं सकता था। ये सारे फंडामेंटल क्वेश्चन आप जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये सब सवाल आ रहे हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। अब देखिए दोस्तों, जो स्वराजिस्ट थे वो ये लोग थे और जो लोग नो चेंजेस थे वो लोग कंस्ट्रक्टिव काम में लग गए। तो स्वराजिस्ट ने कहा कि दे एडवोकेटेड काउंसिल में एंट्री करेंगे। कब बोला गया? जब ये विड्रॉल हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, और काउंसिल में एंट्री करके क्या करेंगे? विद एन एम टू एंड और अमेंड, इज रादर मेंड द काउंसिल्स। नो चेंजेस ने कहा कि नहीं हम कंस्ट्रक्टिव वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। ठीक है, अब यहां तक बात सही थी। अब ये जो स्वराजिस्ट पार्टी जो शुरू करी, इसको दो लोगों ने शुरू करी, एक मोतीलाल नेहरू और दूसरा सी आर दास। अब 1925 में सी आर दास की मृत्यु हो जाती है और ये स्वराजिस्ट पार्टी जो है वो वीक पड़ जाती है। लेकिन ये 1925 से पहले 1920 का जो दशक चल रहा था, 1922-23 के बाद से जो 25 तक, ये जो 3 साल का जो पीरियड था, इसमें ऐसा क्या चीज़ें हुई इसको समझते हैं। इमर्जेंस ऑफ अ न्यू फोर्स ड्यूरिंग 1920s, एक मार्क्सिज्म और एक सोशलिस्ट आइडियाज जो है वो भयंकर तरीके से स्प्रेड हो रही थी, भयंकर तरीके से स्प्रेड हो रही थी। हमें समझना पड़ेगा ये कहां से हो रही है शुरुआत। हम सबको पता है 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था,
हमें यह भी पता है कि 29 में एकाएक नहीं आया होगा, 24, 25, 26 इसकी जो ग्रेट डिप्रेशन से पहले की जो नेगेटिव चीजें हैं वो सबके सामने आ रही होंगी थोड़ी थोड़ी करके। तो फॉल ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म की जो नेगेटिव्स हैं ये लोगों को दिखने लगा था, इसीलिए मार्क्स, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स ये सब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, ये सब सामने आने लगे। उसके साथ साथ जो यूथ थी, इंडियन यूथ, वो भी इस चीज़ से यकीन करने लगे, वो भी मार्क्सिज्म की तरफ, सोशलिज्म की तरफ अपना इंक्लिनेशन जो है उनकी होने लगी। ट्रेड यूनियनिज्म का ग्रोथ होने लगा, पीजेंट्स लोग एजिटेशन करने लगे, कास्ट मूवमेंट होने लगे, और इन्हीं के बीच में रेवोल्यूशनरी टेररिज्म शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आई वुड से रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो भी टिल्ट हो गए टुवर्ड्स सोशलिज्म। अब यहाँ पे फिर से एक सवाल बन सकता है, वो सवाल ये है कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स जो हैं भारत में, ये दो हिस्सों में हुई थी, सबसे पहला 1900s में हुई थी और दूसरा 1920s में हुई थी। फर्क सिर्फ ये था कि यहाँ पे सोशलिज्म नहीं था, यहाँ पे सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो आ चुका था दोस्तों, ठीक है, ये मेजर चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये कि सोशलिज्म भी इन लोगों ने, इनका बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन इनको रूसी क्रांति से हुई, रशियन रेवोल्यूशन से हुई, और ये रशियन रेवोल्यूशन जो है 1917 में हुई थी, तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट आया। ऊपर से जैसे मैंने बताया कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसका भी इनिशियल स्टेजेस की जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं वो दिखने लगी थी। अब क्योंकि हम लोगों ने सोशलिज्म को अपनाया, रेवोल्यूशनरी फेज सेकंड में हम लोग आ गए, तो हम यहाँ बात करेंगे कि पंजाब एरिया में, पंजाब साइड में कौन कौन से ऐसे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रहे थे उस समय। सबसे पहली बात है कि HRA फॉर्म हो गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको 1924 में किया गया। अब क्योंकि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, इनके पास पैसे कम होते थे, ये वो क्रांतिकारी थे जो इंडिविजुअल हीरोइज्म पे, सैक्रिफाइसेस पे यकीन करते थे, जो आवाम से दूर थी लेकिन आवाम से जुड़ना चाहती थी, वो लोग अपने खर्चे निकालने के लिए, अपने पैसे जो है वो निकालने के लिए, अपने पार्टी फंड को बढ़ाने के लिए वो सरकार की तिजोरियों को लूटते थे। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, एक मरतबा की काकुरी रेलवे स्टेशन से एक सरकारी ट्रेन जो जा रही थी उसके अंदर सरकारी खजाना था, तो उन्होंने उसको लूट लिया 1925 में। ये और बात है कि लूटने के बाद जो पैसा मिला उन्होंने उनको इस्तेमाल ढंग से किया, लेकिन जिन लोगों के इसके अंदर नाम था, जिन लोगों ने इस रॉबरी को अंजाम दिया था, जैसे जो फेमस हमारे क्रांतिकारी थे उनमें जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक, अशफाक उल्लाह, ये सब लोग जो हैं ये लोग पकड़े गए और अधिकतर लोगों को फांसियाँ हो गई और ये एचआरए टूट सा गया। उस समय इनके लीडर हुआ करते थे चंद्रशेखर आज़ाद। 1928 में एचआरए को फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया और इस समय सीन पे कौन आ जाते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग, और फिर HRA बन जाता है HSRA, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके बाद दोस्तों इन द मीन टाइम क्या होता है कि 1928 में रीऑर्गेनाइजेशन से पहले भारत में 1927-28 के समय साइमन कमीशन को बुलाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और साइमन कमीशन का पर्पस ये था दोस्तों कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करना चाहती थी। अंग्रेजों का यह था कि भारत को किसी भी बड़े मूवमेंट को रोकने के लिए बीच बीच में ऐसे चॉकलेट्स देते रहे ताकि वो शांत रहें। वैसा ही एक, अगर आप पूरे हिस्ट्री को देखेंगे तो जरा सोचिए, 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ तो उसके फलस्वरूप आगे पीछे 1909 का एक्ट लाया गया। फिर आप देखिए जब 1920s में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट शुरू किया गया, उससे जस्ट पहले 1919 का एक्ट आया था। अब आप आगे और देखेंगे कि 1930s में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था तो उसके बाद तुरंत 1935 का एक्ट लाया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि ये बीच बीच में ऐसे डोल्स देते रहते थे। जब साइमन कमीशन आई कॉन्स्टिट्यूशन सो कॉल्ड रिफॉर्म करने के लिए, तो उस कमीशन का विरोध भयंकर तरीके से हुआ, क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीयों का रोल नहीं था, दो नो इंडियंस इन दैट कमीशन। भारतीयों ने विद्रोह किया, भारतीयों ने प्रोटेस्ट किया, और इस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय जी लीड कर रहे थे, और इनके साथ थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आज़ाद, ये सब लोग थे। उस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है लाठी मार मार के, इन सबके सामने ब्रुटैलिटी की हद पार हो जाती है, और इसका बदला लिया जाता है 1928 में सॉन्डर्स को मार के। 28 में सॉन्डर्स को हत्याकांड या सॉन्डर्स की हत्याकांड के पीछे कौन लोग थे, ऑब्वियसली HSRA के लोग थे। प्रमुख नाम चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। मारने के बाद ये लोग वहां से निकल भी जाते हैं, लाहौर से बच के निकल जाते हैं, और कहां पहुंचते हैं, कलकत्ता। और कलकत्ता में पहुंच के वो देखते हैं कि आवाम उनसे अब तक नहीं जुड़ पाई है, आवाम उन्हें आज भी एक टेररिस्ट मानती है, और उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, HSRA को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जिससे वो मासेस के साथ कनेक्ट कर पाए, और अंग्रेजी हुकूमत वो उनकी बातें सुन नहीं रही है। तो ऐसे सिचुएशन में
ऐसे सिचुएशन में बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जिस तरीके से जरूरत होती है उसी प्रिंसिपल को अपनाया गया और बॉम्ब ब्लास्ट करवाया गया सेंट्रल असेंबली में 1929 में। अब यहां पर मैं तीन लोगों के नाम लूंगा। सबसे पहला जतिन दास, जिन्होंने बॉम्ब बनाने में मदद की थी, केमिकल केमिस्ट्री में प्रोफेसर थे, उन्होंने बॉम्ब बनाने में मदद की थी। इसके साथ बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, ये लोग दोनों लोग मिलकर के सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब मारते हैं। एक ऐसा बॉम्ब जिसमें कोई भी शार्पन का इस्तेमाल नहीं किया जाता जानबूझकर, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि बहरों को सिर्फ सुनाना है। और फिर उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाया ताकि वो अंग्रेजों की बनाई हुई कोर्ट में खड़े होकर अपने ट्रायल के चलते अपनी बातों को मासेस तक पहुंचा सके। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवाकर अंग्रेजों की ही प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके मासेस से कनेक्ट हो गए। ठीक है, उसके बाद की जो इतिहास है उस पूरे कोर्ट ट्रायल को जो आज भी हम सब जो इतिहास के प्रेमी हैं वो सब उसको पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1929 में वायसराय की जो ट्रेन है उसको भी ब्लो अप करने की बात होती है, एक प्लान होती है, साजिश होती है। 1931 में जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को हैंग करने का जजमेंट निकल जाता है तो आजाद सोचते हैं कि किस तरीके से इन तीनों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे लोग थे जो लोग पूरे नेशनलिज्म की नींव थी, रेवोल्यूशन का नींव थे, इनको बचाना जरूरी था। और आजाद जो है उसी चीज पर लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं से कोई एक गद्दार जो खबरी बन जाता है अंग्रेजों का, उनकी खबरी बनने की वजह से, गद्दार की वजह से, गद्दारी की वजह से आजाद को एक एक पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस एनकाउंटर में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है। यह बात कर रहा हूं 1931 की। 1931 से पहले जब आजाद जी की एनकाउंटर करी गई, इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया था एंड में, तो उस समय 1930s में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया था। और 1930 में जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला, इसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाई। उसके बाद इरविन, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और गांधी इरविन पैक्ट में भी हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचा नहीं पाए, और फलस्वरूप 23 मार्च 1931 में इन तीनों को फांसी हो गई। ठीक है, अब 1930s में बंगाल में क्या हो रहा था, बंगाल में भी मास्टर दास सूर्य सेन ने चिटागोंग रिवोल्ट ग्रुप पे बना, चिटागोंग रिवोल्ट ग्रुप जो उनका था, उन्होंने हमला बोला और उनका जो चिटागोंग आर्मरी थी उनको पूरी तरह से लूट लिया। अल्टीमेटली 1930s में ये इस आर्मरी रेड के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। लेकिन इवेंचुअली इसके बाद भी सूर्य सेन को अरेस्ट कर लिया गया, उनको भारी गवर्नमेंट रिप्रेशन का सामना करना पड़ा, सूर्य सेन जी को बाद में इनको भी फांसी से लटका दिया गया। तो ये 1920s से 1930s के बीच की हिस्ट्री है, हमारी स्ट्रगल है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे विथ साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, नमस्कार, जय हिंद।